ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे आप बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ब्रह्मकुमारी परिवार के वटवृक्ष दादा की तस्वीर हमारे सामने है। उस वटवृक्ष की बहुत बड़ी शाखा जिन्हें हम दादी प्रकाशमणि के रूप में पुकारते थे, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। दादी जानकी जी के शताब्दी समारोह में मैं वहां पर उपस्थित था, लेकिन आज ये वटवृक्ष की शाखाएं कहां तैयार होती है मूल तक मैं आज पहुंचा हूं। यहां से तब तक बहनें ब्रह्मकुमारी के रूप में हमारे सामने आती है, और मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए निर्विवाद रूप से मैं ये कह सकता हूं कि नारी शक्ति द्वारा पूरे संसार में सबसे बड़ा कार्य कहीं से अगर हो रहा है तो वो ब्रह्मकुमारी परिवार के द्वारा। और उस परिवार में यहां आधुनिक युग की शिक्षा प्राप्त करते हुए, सद संस्कारों के संवर्धन करते हुए, अपने जीवन को तपाते हुए, निखार करके हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए, स्वस्थ समाज की संरचना के लिए जो मैंने यहाँ तैयार हो रही है, उनको तैयार करने में मेरी भाइयों हमारी ब्रह्मकुमारी बहन अनिता जी बैठे हैं, मेरी भाई और उर्मिला जी बैठे हैं, और ऊ के बीच में ये आलोक लोक आ गया है। मेरी बहनों ने जब कहा कि आना है, 6 बजे से लगभग 6:15 बजे से हमारा वहां सत्र समय कम भी था, पर हमें मैंने कहा कि कम हुआ तो क्या होगा, अपने घर ही तो जाना है। लेकिन आज मैं यहाँ आने के बाद कह सकता हूँ कि इंदौर आऊं, और ये इस प्रकार की एक यूनिवर्सिटी है, ये संस्कार निर्माण की यूनिवर्सिटी, अगर मैं नहीं देखता तो मेरा इंदौर आना अधूरा रह जाता सचमुच में। आप सभी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, देखिए हम सबको मानव जीवन मिला है, और सभी धर्मों ग्रंथों दर्शनों में कहा गया कि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, देव दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य को केवल विकसित मस्तिष्क ही नहीं, सक्षम नर्वस सिस्टम ही नहीं, उसको रीजनिंग माइंड मिला है, विवेक की शक्ति, क्या मेरे लिए करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये विवेक की चेतना केवल मनुष्य को प्राप्त होती है। सचमुच में आप भाग्यशाली है, बचपन में ही आपके भीतर वो विवेक जागृत हुआ। मुझे बताया गया दोनों बहनों के द्वारा कि लगभग 6ठी क्लास से ही या क्रम प्रारंभ हो जाता है कि और बीए का अध्ययन होने तक यहाँ रह करके संस्कार निर्माण के क्रम को भी आगे बढ़ाते हैं, और हर तरह से ज्ञान विज्ञान से पूरी तरह तैनात होकर के फिर आगे पहुंच करके जहाँ भी नियुक्ति मिलती है समाज की, देश की और दुनिया की। सचमुच में ये ब्रह्म कुमारी परिवार जो है वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार कर रहा है। विश्व के लिए दुनिया एक बाजार है, भारत के लिए दुनिया एक परिवार है, और उसका जीता जागता उदाहरण देखना हो तो कोई माउंट आबू जाके देख ले, आबू जाकर के देख ले, और इंदौर में भी उसका छोटा मोटा ये रूप, और मैं छोटा मोटा इसलिए भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पर तो मूल जो है जड़, जहाँ से फूल पत्ते निकलते हैं वो यहाँ तैयार होते हैं। तो मैं बहनों सचमुच में आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सबके दर्शन करके आह्लादित हूँ, और मैं आप सबको अंतर हृदय से प्रणाम करता हूँ, और यही कहता हूँ सचमुच में आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया है,
इस भौतिकतावादी चकाचौंध के युग के अंदर पहले तो किसी शहर में एक आधा सिनेमा हॉल होता था, अब तो हर घर का हर बेडरूम जब सिनेमा हॉल का रूप धारण कर चुका हो, ऐसे समय के अंदर भौतिकता की पराकाष्ठा जहाँ पर हो और ये इंटरनेट की दुनिया जहाँ पर हो, सचमुच में आज कोई अगर संकट है तो संस्कारों का संकट है। ये दिए और तूफान की लड़ाई है और उस तूफान के अंदर दिया बुझे नहीं, वो टिमटिमाता रहे हर समय, उसके लिए आप समर्पित हुए हो तो आपकी साधना को प्रणाम, आपके निर्णय को प्रणाम। और मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हुई, हमारी बहनों ने मुझे आमंत्रित किया और जब मैं गेट पे पहुँचा तो हमारी बहन फूल लेकर के तैयार खड़ी थी। मैंने कहा बहनों मैं तो अपने घर आया हूँ, आप मुझे काम मेहमान बना रही हो, अपने घर आए हुए को फूल देने की जरूरत नहीं है। तो सचमुच में जब जब भी मैं चाहे हमारा वो शांति रिट्रीट है मानेसर में गुड़गावा के बगल में, वहाँ जाऊँ, आबू जाऊँ, माउंट आबू जाऊँ, और जितने भी दादी हैं, प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, हृदय मोहनी रतन दादी और हमारे मृत्युंजय भाई, करुणा भाई, सभी से बड़ा प्यार है, स्नेह है। और हम सब मिलकर के मैं इतना ही कहूँगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यों तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, खुद से खुदा की मुलाकात और उसका जरिया है राजयोग मेडिटेशन, आप उसके लिए समर्पित हो। पुनः आपकी साधना को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शांति।